हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.5 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाऊं मैं, इसलिए पहले ही आपको ये बता दूं कि आप वीडियो को पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हमें इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखेंगे आप। आपके पास ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले आप पहले एक फॉर्मूला देखें, ये रहा फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी के जो होल स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, इस रूप में दे रखा है, तो आपको उसको इस रूप में बदलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमें इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में दे दिया है। तो क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया है तो फिर हमें उसको इस रूप में बदलना है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन के नीचे, लेकिन इस फॉर्म में लिखा है, पहले इसको लिख दिया देन इसको लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमारा इस फॉर्म में है, या फिर प्रॉपरली इस फॉर्म में पहले इसको बदलना है ताकि हमारा आंसर इस फॉर्म में आ जाए। ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्म में कैसे पहले कैसे बदलेंगे वो आप देखो। जब हम इस फॉर्म में बदल लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर इस रूप में आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहां है ए स्क्वायर और इसके ऊपर है 2x का स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो पूरा दिख रहा है इसको पहले इस रूप में बदलो। ये देखो बी स्क्वायर के ऊपर क्या है, वाई स्क्वायर। चलो ये बी स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों एक रूप में है। प्लस ये है सी स्क्वायर और ये है 8z का स्क्वायर, तो पहले 8z के स्क्वायर को इस रूप में लाना है, इस पूरे को भी इस रूप में लाना है, इस पूरे को भी इस रूप में लाना है और इस पूरे को इस रूप में लाना है। तो जब तक हम इन तीनों, जैसे ये तीन लिखे हैं वैसे इन तीनों को ना लिख लें तब तक हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो तीन दिख रहे हैं 2x² प्लस y² प्लस 8z², आप क्या करो, पहले ये जो तीन दिख रहे हैं उनको पहले इस रूप में बदलो, पहला काम आपका ये, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझे। आपने पिछले क्लास तक ये पढ़ चुका, पिछले क्लास में पिछले चैप्टर तक ये पढ़ चुका है कि अगर हमारे पास रूट टू है और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, टू। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि रूट टू का स्क्वायर किसके बराबर होता है, टू, या फिर यूं कहें कि टू किसके बराबर होता है, रूट टू का स्क्वायर। मतलब टू किसके बराबर होता है, रूट टू का स्क्वायर। ये पहली चीज समझ में आ गई होगी, इसका यूज करेंगे यहां पर। दूसरा देखो कि अगर हमारे पास टू रूट टू हो और इसका स्क्वायर करना हो तो इसके स्क्वायर करने का तरीका मैंने क्या सिखाया था कि पहले 2 का स्क्वायर करो, पहले किसका स्क्वायर करो, 2 का मल्टीप्लाई, फिर रूट 2 का स्क्वायर करो। अब रूट 2 का स्क्वायर कैसे किया जाता है, स्क्वायर रूट को काट देता तो कितना आ गया, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 और आंसर कितना आ गया, 8। इसका मतलब है 8 किसके बराबर होता है, 8 बराबर होता है 2 रूट 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले ये देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2x², मैं पहले अलग से सॉल्व करके देखूंगा 2x². तो ये जो 2 है ना, ये वाला 2, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं रूट 2 का स्क्वायर और साथ में क्या है, साथ में है x². अब देखो रूट टू के साथ भी स्क्वायर है, x के साथ भी स्क्वायर है, तो मैं लिख लेता हूं इसको रूट टू x और इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो गया कि 2x² को अब हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसको देखो आप, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 8z का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो जो 8 है इस 8 की जगह हम लिख लेते हैं 2 रूट 2 का स्क्वायर, 8 को हटाकर उसकी जगह 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया
और ये जेड स्क्वायर का क्या करें, इसको साथ में लिख दो। अब देखो टू रूट टू के साथ भी स्क्वायर है, जेड के साथ भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक कमरे में एक बॉक्स में बंद कर दो, कर दिया। और क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लगा दिया हमने। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे करते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि आपको ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें स्टार्टिंग के तीन पार्ट्स देखो, बस आपका काम यहीं तक है, स्टार्टिंग के तीन पार्ट्स को देखना। जो ये स्टार्टिंग के तीन पार्ट्स हैं, पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, पहला काम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है, 2x square। तो 2x square को मैंने किस रूप में लिख दिया, रूट टू के एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा मैं रूट टू एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। फिर है प्लस, प्लस के बाद क्या है, वाई स्क्वायर। तो मैं वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही लिख लेता हूँ क्योंकि उसमें कोई नंबर तो है नहीं। प्लस आगे क्या है, 8z square। तो अभी मैंने 8z square को किसके इक्वल लिख के दिखाया, 2√2z² प्लस 2√2z². तो अब हमारे पास ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसमें जो शुरुआत के तीन टर्म्स हैं, तीन पद हैं, इसको मैंने प्रॉपरली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आप ऐसा कर लेते हैं, तो मैं आगे समझाऊं, उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसी के नीचे फॉर्मूला लिख देता हूं। पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूले को नीचे दोबारा लिख लिया। अब देखो क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसमें शुरुआत के तीन टर्म्स मैंने यहां लिख दिए। बस आपको शुरुआत के तीन टर्म्स पर ध्यान देना है। तो अब क्या करो, क्योंकि इसमें अभी आगे ये भी तो है, ये भी है और ये भी है, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इनको, इन तीनों को कैसे लिखे हैं हम आगे, वो अब देखो। तो आप देखो यहां है ए स्क्वायर और यहां हो गया रूट टू एक्स का होल स्क्वायर। तो तुम्हें क्या लग रहा होगा कि ए किसके इक्वल है, रूट टू एक्स के। यहां पर देखो प्लस है बी स्क्वायर, तो बी किसके बराबर है, वाई के। स्क्वायर नहीं बोलना है, स्क्वायर तो दोनों में ही है। यह है सी स्क्वायर, यह है 2√2z², तो c की जगह कौन है, c की जगह है 2√2z। तो अब फॉर्मूले में आगे जो चीज लिखी है वो उसी हिसाब से आप लिखोगे। अब तुम्हें इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हम यहां लिख लेंगे इनको बिना देखे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसी तरीके से इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है। तो अब इन तीनों को मैं कैसे लिखूंगा वो आप देखो। तो उसके लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा। यहां प्लस है, मैं लिख लेता हूं प्लस, ध्यान से देखना। ये क्या लिखा है, 2ab। तो 2ab में सबसे पहले किसको लिखा है, 2 को लिखा है। फिर है मल्टीप्लाई, अब फिर क्या है, a। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि a किसके बराबर है, रूट टू एक्स के। तो इस a की जगह हम लिख लेते हैं रूट टू एक्स। ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके साथ क्या है, बी है, तो फिर बी को मैं क्या लिखूंगा, b किसके बराबर है, y। तो मैंने ये लिख लिया y। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे प्लस, ये प्लस की जगह प्लस लिख दो। फिर ये 2 की जगह क्या करो, 2 लिख दो। मल्टीप्लाई b, अब b किसके बराबर है, y। तो b की जगह क्या लिख दो, y। फिर क्या है, c। तो c की जगह हम क्या लिखेंगे, c की जगह क्या लिखेंगे हम, 2√2z। फिर प्लस, क्योंकि आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं प्लस, क्या है ये, 2 लिख दिया, 2। फिर यहां पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। फिर है सी, सी हमारे पास कितना है, 2√2z है सी। देखो सी क्या है, 2√2z है। फिर मल्टीप्लाई, ये क्या है, ए। ए किसके बराबर है, रूट टू एक्स के। तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा रूट टू एक्स। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये जो टर्म दिखाई दे रही है, ये टर्म को हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया और इस लास्ट वाले को ऐसे लिख दिया। इसके बाद का काम क्या होता है आपका, इसके बाद क्या देखना होता है, माइनस साइन। आप जरा ये देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें इसके पास माइनस है और इसके पास माइनस है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इन दोनों के पास माइनस है क्यों। देखो यहां पर भी एक्स दिख रहा है, यहां पर भी एक्स दिख रहा है। इसका मतलब एक्स होने के कारण से, यहां पर भी एक्स होने के कारण से ये माइनस साइन आ रहा होगा।
तो आपको क्या करना है, जो आपने नीचे सॉल्व किया है ना, इसमें भी जहां जहां x दिखाई दे रहा है आपको, वहां वहां आप क्या करो, माइनस साइन लगा दो। अब कहां आपको दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है, तो यहां पर आगे क्या करो आप, माइनस का साइन लगा दो। और कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां पर आप माइनस का साइन लगा दो। और कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां पर आप माइनस का साइन लगा दो। अब क्या हो गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो अब प्रॉपरली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला जो ये हमारे पास ये फॉर्म चाहिए था ना, इस फॉर्म में अब ये प्रॉपरली कन्वर्ट हो गया। तो जब कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है अब ये प्रॉपरली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के बदले अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखो ये देखो ना, ये पूरा इस फॉर्म में लिखा है तो उसी तरीके से ये पूरा भी इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, ए फिर बी फिर सी, तो हम भी ऐसे लिखते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, अब क्या है, ए है माइनस रूट टू एक्स, फिर है प्लस, बी क्या है वाई, प्लस सी क्या है टू रूट टू जेड, तो सी क्या है टू रूट टू जेड। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था तो इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपरली यहाँ पर सॉल्व कर लिया और हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये आया। अच्छा स्क्वायर लगाना भूल गया, स्क्वायर भी होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व होता है। आई होप कि आपको ये पूरा को पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।